हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर अतुल कुमार। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोनोसेफ एसपी इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा 250 mg का इंजेक्शन है और इसे हम IM और IV दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस इंजेक्शन के बारे में ज़्यादा जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये मोनोसेफ इंजेक्शन है, 250 mg में IM IV यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं सेफ्टी एक्सोजोन और सेल्वेक्टम इंजेक्शन हाई हमारा। तो दोस्तों, आपको दिखाते हैं हम इसके कंपोजिशन के बारे में। देखिए, ये हमारी कंपोजिशन है, इसमें सेफ्टी एक्सोजोन सोडियम जो सेफ्टी 250 mg है और सेल्वेक्टम 125 mg है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि इस इंजेक्शन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों, इस इंजेक्शन का प्रयोग जो है बुखार, टाइफाइड बुखार, स्किन इन्फेक्शन में कर सकते हैं, जख्म को सुखाने में, पेट में इन्फेक्शन और भी ऐसी समस्याएँ जिनमें हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये दोस्तों, इसकी डोज बताते हैं आपको। ये हमारा 250 mg का इंजेक्शन है। तो अगर कोई 4 kg तक का बच्चा है तो उसे हम 250 mg से हम दे सकते हैं, पूरा दे सकते हैं 250 mg। अगर 4 kg से कम का है तो उसे हम आधा आधा दे सकते हैं, आधा इंजेक्शन दे सकते हैं, सवा सेमी दे सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसे आपको जो खोल के दिखाते हैं, देखिए। ये हमारा इंजेक्शन निकल आया है और इसमें इसके साथ में वाटर दिया जाता है, ये वाटर स्ट्रायल वाटर, और ये एक स्क्रिप्ट भी दी जाती है इसके इंजेक्शन के देखने के लिए क्या क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों, इस वाटर को हम इंजेक्शन में 5 ml की है हमारी बॉटल, तो इसे हम 5 ml में से 2 ml लेके उसे घोल के किसी भी बच्चे को दे सकते हैं। तो इसे दोस्तों, हमें ये गर्मियों के मौसम में खोलने के बाद तुरंत लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये गर्मियों में ख़राब हो जाता है, कारण लाल हो जाएगा। अगर इसे ज़्यादा समय तक रखना है तो हमें इसे फ्रिज में रख देना चाहिए और इसे ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। और ये ठंड के मौसम में तो हमारा लमसम में 10 घंटे तक चल जाता है, और इसके गर्मियों में ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसके गर्मियों में हमें जल्दी लगा के तुरंत घोल के तुरंत लगा लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस इंजेक्शन को जो है साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा है, तो इसे हमें अपनी डॉक्टर की सलाह लेके ही लगवाना चाहिए। हाँ, इसकी डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है, इसकी डॉक्टर की सलाह से ही हमें लगवाना चाहिए। तो दोस्तों, इस इंजेक्शन के बारे में ज़्यादा देखने के लिए, ज़्यादा जानने के लिए मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए, मेडिकल से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।